मतलब एनर्जी विल बी कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। प्रोग्रेसिव वेव की तरह नहीं है कि एनर्जी आप दूर दराज तक पहुंचा सकते हो। इस यहाँ पे एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आप सितार के तार को देखें ना या रस्सी को दो पॉइंट में आप कस के बांधें तो एनर्जी बस वो इन दो पॉइंट्स के बीच में आगे पीछे जाएगी। तो ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ये एक किस्म से स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव है जहाँ पे एनर्जी रुकी होगी साकिन। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट दे विल मूव इन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन। और स्टेशनरी या जो स्टैंडिंग वेव्स होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, इसको हम असल में बहुत सारे तरीकों में पैदा कर सकते हैं, स्प्रिंग के अंदर भी पैदा कर सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे हम स्ट्रिंग में पैदा करेंगे और साथ में हम आर्गन पाइप के अंदर पैदा करेंगे। किसके अंदर? शाबाश, आर्गन पाइप जिसको हम बाजा कहते हैं, बाजा के अंदर हम पैदा करेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। पहले हम थोड़ी सी स्ट्रिंग के अंदर पैदा करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर आप कैसे पैदा कर सकते हो कि कोई भी स्ट्रिंग अगर आप दो सपोर्ट में इस तरह बांध लें स्टिच ली, ठीक है, और फिर ऐसे आपको प्लग करें, मतलब किसी भी पॉइंट पर आप इसको खींचे, फॉर एग्जांपल मैं मेडल पे खींचना चाहता हूँ ऐसे, तो ये रस्सी ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ऐसे। और अगर हम छोड़ेंगे इसको तो यहां से डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा और यहां से डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा, और यहाँ पे तो हमने मजबूती के साथ टाइटली बांध ली, तो ये ऐसे नहीं ये करेगा कि वो ऊपर नीचे की तरफ जाएगा और वेव्स गायब हो जाएगा, बल्कि यहां से डिस्टर्बेंस आकर यहां से डिस्टर्बेंस आ जाएगा और यहां से आकर ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, सुपरपोज हो जाएगी। सो ये मेरे साथ इस तरह रस्सी में एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स पैदा हो गया, फिर यहां पे आकर फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर, तो ये सर, तो वाकई जब आप रस्सी को छोड़ेंगे ना तो ये इस तरह ऊपर नीचे हरकत करेगा, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स को पास करेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल मूड। इसको हम कौन सा मूड कहते हैं? शाबाश, फंडामेंटल, ये बुनियादी मूड है। इसे आप कम लूप को बना नहीं सकते हो, इसे आप कम लूप को बना नहीं सकते हो। ये जो पॉइंट है ना इसको हम कहते हैं नोड, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, एंटी नोड। तो वैकेंसी कौन से जगह पे प्रेशर मैक्सिमम होगी, नोड पर या एंटी नोड पे? स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होगी? नहीं, ये हमने दबा रखा है, ये तो आजाद चलांग घूमता फिरता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? शाबाश, वैकेंसी मैक्सिमम होगा, स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे स्ट्रेस तो कम है, ये देखो ये तो चलता फिरता है, क्लियर है ना? तो एंटी नोड पर स्ट्रेस क्या होगा? शाबाश, वैकेंसी कम होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज व्हाट? शाबाश, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इसके बीच में लैम्डा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये एक व्यू नहीं बना, ये एक व्यू तब होगा जब ये यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे कितना होगा? शाबाश, लैम्डा बाय 2, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? लैम्डा बाय 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। The distance between antinode and node is lambda by 4, and the distance between we can say two consecutive node or two consecutive antinode is lambda by 2. Clear hai na? So this is one of the fundamental mode. ये क्या है? शाबाश, एक fundamental mode है। अच्छा, इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, हवा के जो medium के particle है वो भी vibration करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो आवाज पैदा होगी कि नहीं? Disturbance पैदा होगी। और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, v इज इक्वल टू क्या होता है? f, वी कैन से लैम्डा होती है, v इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर होगा? शाबाश, v बाई क्या होगा, बल्कि f क्या होगा? f किसके बराबर होगा? v बाई लैम्डा। तो लैम्डा इस केस में किसके बराबर होगा? शाबाश, लैम्डा अब यहां से लेकर यहां तक क्या है? लैम्डा बाई 2 है, तो इस लेंथ में कितना है? हाफ वेवलेंथ है कि नहीं है? तो ये क्या बनेगा? 2L इज इक्वल क्या बनेगा? लैम्डा बनेगा। तो मेरे साथ फॉर्मूला क्या हो गया? F1 इज इक्वल क्या बन गया? शाबाश, V डिवाइड बाय क्या बन गया? 2L। V डिवाइड बाय क्या बन गया? शाबाश, 2L1। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
या भी किसी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले क्या होगा, वी डिवाइड बाई क्या होगा, टू एल होगा। और फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में कौन सा रिलेशन है, शाबाश वी कैन से इनवर्स रिलेशन। अच्छा अब जरा यहां पे आप देखिए बेटा, स्ट्रिंग के केस में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां भी जरा देखो, यहां पे कितने नोड है बेटा, दो नोड है और एक कितने हैं शाबाश एंटी नोड। सो इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, इन द केस ऑफ स्ट्रिंग नोड will be equal to antinode plus 1। या antinode किसके बराबर होंगे, नोड माइनस हो 1। स्ट्रिंग के केस में नोड ज्यादा होते हैं और antinodes क्या होंगे, शाबाश वी कैन से कम होंगे। क्लियर है ना। अच्छा और लूप, जितने लूप होंगे उतने हमारे साथ क्या होंगे, शाबाश antinode होंगे। ये मेरे साथ वी कैन से नंबर ऑफ लूप्स will be equal to antinode, नंबर ऑफ लूप्स विल बी इक्वल टू एंटी नोड्स। और ये जो एफ वन है जिसका फॉर्मूला क्या है, शाबाश वी डिवाइड बाई क्या है, टू एल है। तो इसको हम कौन सी हार्मोनिक कहते हैं, शाबाश फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक्स। ये मेरे साथ फर्स्ट पहला हार्मोनिक, पहला हार्मोनिक है मेरे साथ। क्लियर है ना। एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से फर्स्ट मोड। अब जरा सेकंड मोड पे आ जाओ, वो बिल्कुल मैंने मिडिल पे रस्सी को खींची थी बिल्कुल हाफ ऑफ द लेंथ पे। अब ऐसा करो ना मोड नंबर टू में कि हम ऐसे कहते कि व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग एट क्वार्टर ऑफ लेंथ, कितने लेंथ पे हम खींचे, शाबाश क्वार्टर लेंथ पे। तो ये मोड नंबर टू है, क्वार्टर लेंथ पे क्वार्टर लेंथ। तो ये टोटल रस्सी है, इसको चार हिस्सों में तकसीम करो, चार में, एक दो तीन चार। क्लियर है ना। इसको मैं इस पॉइंट पे खींचना चाहता हूं, ये तो यहां पे जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे आए, मैंने कहा जाना, तो ये किस तरह आएगी, शाबाश ऐसे आएगा, छोड़ेंगे ये ऐसे। अभी कितने लूप बन गए, दो लूप्स, टू लूप्स बन गए ना। अच्छा यहां पे कितने नोड हैं, एंटी नोड, एंटी नोड, यहां पे नोड, नोड एंड नोड, तीन नोड और दो एंटी नोड। अच्छा इधर से इधर तक डिस्टेंस क्या होता है, वो लैम्डा बाई टू, और यहां से लेकर तो लिम्डा बाई टू, लिम्डा बाई टू, लिम्डा लिम्डा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ शाबाश एफ टू के ऊपर आ जाओ, एफ टू का फॉर्मूला क्या होगा, वी डिवाइड बाई क्या होता है, लिम्डा। तो असल में लिम्डा किसके बराबर है, एल के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे किस चीज की डिफिशियंसी है, टू की, तो टू को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, टू को हमने डिवाइड भी किया, तो इट इज वी डिवाइड बाई टू एट, शाबाश एफ वन है कि नहीं है, अभी जो मैंने नाम दिया ये नहीं है ये चीज, तो एफ टू किसके बराबर होगा, शाबाश तो इन टू बात, क्यों, क्योंकि अभी लेंथ हाफ हो गया ना, लेंथ हाफ हो गया कि नहीं हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर है ना। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। सो सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या है, शाबाश वी कैन से फर्स्ट वो टोन है। सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है। और थर्ड हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या होगा, सेकंड ओवरटोन। सो जनरली अगर आप लिखे, जनरली अगर मैं कहता हूं मेरे साथ एंथ हार्मोनिक है, एंथ हार्मोनिक, एन हार्मोनिक कितने ओवरटोन के बराबर होगा, एन माइनस वन ओवरटोन के बराबर, कौन सी ओवरटोन के बराबर होगा, शाबाश एन माइनस वन। थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन, वगैरह वगैरह। क्लियर है ना। इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ स्ट्रिंग हमारे साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं, इवन फ्रीक्वेंसी आठ फ्रीक्वेंसी, तमाम के तमाम
यदि मैं पॉइंट हो, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बहुत रिचेस्ट है। यहां पे F1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो यहां पे F2 भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे नहीं कि F2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, F3 डायरेक्ट आता है, नहीं नहीं F2 भी है, F3 भी है। क्लियर है ना? जरा अपनी खबर बन फिर ये कहना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फिफ्थ हार्मोनिक, तो फिफ्थ हार्मोनिक को हम कैसे लिखेंगे? शाबाश, 5F1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 5F1, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है 5F1। अच्छा इसमें कितने लूप्स होंगे? 5 लूप होंगे। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। क्लियर है ना? तो रस्सी को हमने कितने पे खींचा होगा? 1/10 पे। 1/10 पे हमने खींचा होगा। 1/10 पे खींचेंगे तब हमारे साथ 5 लूप बन जाएंगे। ये फिफ्थ हार्मोनिक है। ये कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ। अच्छा तो इस फिफ्थ हार्मोनिक में कितने लूप्स होंगे? कितने लूप्स होंगे? 5 लूप होंगे। फिफ्थ हार्मोनिक में कितने नोड्स होंगे? हाँ कितने एंटी नोड होंगे? 5 होंगे। मैंने बताया कि जितना हार्मोनिक होगा, पहले हार्मोनिक में कितने एंटी नोड थे? 1। दूसरे हार्मोनिक में कितने थे? 2 थे कि नहीं? तो फिफ्थ हार्मोनिक में कितने एंटी नोड होंगे? तो नोड कितने होंगे? 6 होंगे। लूप्स कितने होंगे? 5 होंगे। तो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ इतना हार्मोनिक है, रस्सी को हमने कितने, अच्छा रस्सी तुम बताओ रुचि कि ये हमने कितने हिस्से पे खींचा होगा? 1/10 पे खींचे हैं। इतने तो हमारे साथ 5 लूप्स बन चुके हैं जी। 4F1 होगा। तो अभी तुमने 1/8 पे खींचा है, 1/8 पे खींचा है, आपने इसका डबल लेना है। देखो इसको हमने 1/4 पे खींचा, क्वार्टर का, क्वार्टर पे कितने लूप बन गए? तो 1/6 पे कितने होंगे? 1/8 पे कितने होंगे? 4। हाँ अभी समझ आ गया ना बेटा? जरा रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ चुकी है। शाबाश। तो इसमें इतने मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है ना? ना आपसे इसमें इतने मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं, बस ये आसान आसान बातें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अब आज स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स को पैदा करो किसके अंदर? शाबाश, आर्गन पाइप के अंदर पैदा कर दो। किसके अंदर पैदा कर दो? आर्गन पाइप। आर्गन पाइप हमारे साथ दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ होते हैं ओपन और दूसरा हमारे साथ क्या होते हैं? क्लोज्ड। ओपन आर्गन पाइप हुज बोथ एंड्स आर ओपन एंड क्लोज्ड क्या होते हैं? शाबाश। क्लोज्ड इज दैट आर्गन पाइप हुज वन इज ओपन एंड अदर वन इज क्लोज्ड। हमारे यहां ओपन एंड वी हैव लाइक एंटी नोड। तो जब दो एंटी नोड होंगे ना बीच में, खामखा एक नोड होगा, याद रखो दो एंटी नोड के बीच में खामखा एक नोड होगा। क्लोज एंड किस तरह बिहेव करते हैं बेटा? एस नोड। और यहां भी क्या होगा? एंटी नोड। अब आपको फंडामेंटल मूड का पता चलेगा कि फंडामेंटल मूड पहले किस तरह बन जाएगा। पहले फंडामेंटल, तो हम ओपन आर्गन पाइप की बात करते चले, हम यहाँ पे ओपन आर्गन पाइप की यहाँ पे बात करते। हम इस तरह से एक ओपन आर्गन पाइप लेते हैं यू। ये हमें पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड। और यहाँ पे भी क्या बनेगा? एंटी नोड। तो बीच में क्या होंगे? नोड होंगे। दो एंटी नोड के बीच में यहाँ पे क्या बनेंगे? एंटी नोड। और यहाँ पे भी क्या बनेंगे? एंटी नोड। तो दोनों एंटी नोड के बीच में क्या होगा? एक नोड होगा। तो नोड पहले कैसे बनेंगे? सर जहन का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज फंडामेंटल नोड, दिस वन इज द फंडामेंटल नोड। यानी कि यही तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। सो देखो ना, ये क्या चीज है? ये नोड है कि नहीं है? सो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 11/4 नोड और एंटी नोड के बीच में 11/4। और यहां से लेकर यहां तक तो 11/4 2। तो L किसके बराबर होगा? शाबाश, 11/2। तो लिम्डा किसके बराबर है? 12 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल रस्सी की तरह आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह आएगा। तो यहां से F का क्या फॉर्मूला है? F1
वी डिवाइड बाई क्या है लेमडा, और लेमडा किसके बराबर है टू एल, बिल्कुल रस्सी की तरह। लेकिन यहां पे एक बात है, यहां पे बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, उधर कौन तादाद में ज्यादा थे नोड या एंटी नोड, नोड एक ज्यादा थे, यहां पे जरा देखो ना कौन ज्यादा है, एंटी नोड ज्यादा है। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे कि एंटी नोड विल बी इक्वल टू नोड प्लस वन। अक्सर स्टूडेंट से मैं कहता हूं बेटा नोड ज्यादा होंगे एंटी नोड ज्यादा होंगे, सर नोड एंटी, मैं कहता हूं किस केस में, रस्सी के केस में नोड ज्यादा होंगे, आर्गन पाइप के केस में अगर ओपन है तो फिर एंटी नोड ज्यादा होंगे, अगर क्लोज है तो फिर दोनों बराबर होंगे। क्लियर है ना, आप ऐसे नहीं कह सकते कि स्टेशनरी में हमारे साथ नोड ज्यादा एंटी नोड ज्यादा होंगे, समझ में बात आ रही है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस केस की बात करते हो। अच्छा यहां पे मेरे साथ दिस वन इज द फंडामेंटल मूड, दिस वन इज व्हाट शाबा फंडामेंटल मूड, जरा इसमें आप वी कैन सी इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम कौन सा हार्मोनिक कहते हैं शाबाश, फर्स्ट हार्मोनिक। जरा सेकंड हार्मोनिक की आप बात करें शाबाश, सेकंड हार्मोनिक की, तो इसमें सेकंड हार्मोनिक हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें सेकंड हार्मोनिक लिखिए शाबाश आप इसको, हो गया। अब आज वो सेकंड हार्मोनिक पे हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स को हम यू डिफाइन करेंगे, या वो फंडामेंट एक बात करते हैं ना, एक लूप बनेगा और बकाया ये चीज वैसे के वैसे रहेगा, तो ये कैसे बन जाएगा ऐसे, ये क्लियर हो गया ना, ये पहला बिल्कुल ऐसे है। अब इस पे आप हाथ रखे ना, इस वाले पे बीच वाले पे, तो ये आपको बिल्कुल हार्मोनिक पहला फंडामेंटल दिखाई देगा। यहां से यहां तक क्या होगा लैम्डा बाई फोर, यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, लैम्डा बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा शाबाश वैकेंसी लैम्डा। जरा एफ टू पे आ जाओ, एफ टू क्या होगा जी, V divided by क्या होगा ए, तो किस चीज की कमी है, तो क्या होगा F2 किसके बराबर होगा, तो F1 के बराबर होगा। सर F3 किसके बराबर होगा शाबाश, थ्री F1 के बराबर। इसका मतलब कि ओपन आर्गन पाइप में हर किस्म की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते है? हर किस्म की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट और करते जवाब देखा बन पे ना, इसमें हर किस्म की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह इन द केस ऑफ स्ट्रिंग इवन फ्रीक्वेंसी और ऑड फ्रीक्वेंसी। तो जनरली इसको हम कैसे लिखेंगे शाबाश, जनरली जनरली ओपन आर्गन पाइप को आप एफ एन इज इक्वल टू एन ऑफ एफ वन, वेल एन इज एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर चलते रहो, क्लियर है बिल्कुल उस सर्दी का माहौल है, नहीं क्लियर है ना। सारे के सारे होते हैं। अब आ जाओ क्लूज आर्गन पाइप पे, किस पे आ जाओ, क्लूज आर्गन पाइप पे, क्लूज आर्गन पाइप ऐसा होता है, अक्सर न खैर ये अक्सर इसमें से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन आर्गन पाइप एंड फॉर द क्लूज आर्गन पाइप। सो वी कैन से ये फंडामेंटल ऐसे बन जाएगा ऐसे, क्लियर है ना। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा शाबाश लैम्डा बाई फोर, क्या होगा लैम्डा बाई फोर।
सो अब जरा मुझे एक बात बताइए, दिस इज एंटी नोट एंड दिस वन इज अ नोट, तो यहां भी क्या होगा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई क्या होगा लिम्डा है, तो लिम्डा किसके बराबर है, फोर एल के। उधर याद रखो बस, सिर्फ उधर टू एल था, यहां भी क्या होगा शाबाश बिगिन से फोर एल होगा, इतना आप कम अज कम याद रखिए। बाज औकात सिंपल ये फॉर्मूला उठाए गए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोजर नंबर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, यहाँ पे फोर पी तकसीम करना पड़ेगा या टू पी तकसीम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लूज है, तो क्लूज के लिए फंडामेंटल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट ऑफ फोर, इसका मतलब कि क्लूज वाले को फोर पी तकसीम करो और ओपन वाले को टू पी तकसीम करो जी। इसमें छोटा सा सुराख करें, नहीं तो ओपन हो जाएगा ना, वो आपने देखा होगा ना वो जिस तरह का कमकर से बाजे वगैरह से, हाँ फिर तो उधर से हवा निकल जाएगा, ठीक है ना, मुकम्मल तौर पे बंद होगा। अच्छा हाँ तुम चेक करो, दूसरा आ जाओ। अच्छा सेकंड हार्मोनिक, ये तो मेरे क्लास में था, बेटे ये फाइव मंथ्स में था मेरे क्लास में, आराम ले ओके। चले सेकंड हार्मोनिक किस तरह इसका बनेगा शाबाश, यहां भी क्या बनेगा नोट, तो एक लूप बनाओ, तो एक लूप कैसे बनेगा, ओ शिट गलत हो गया, हाँ एक पूरा करना पड़ेगा ना, ऐसे होगा मेरे ख्याल में, फिर हो गया ना एक लूप पूरा एक आधा, यहां से लेकर यहां तक क्या मिलेगा लिमडा बाई फोर, और यहां से लेकर यहां तक लिमडा बाई टू, इसका सारा एलसीएम ले लो, थ्री लिमडा बाई फोर, ये आ गया एल, और एल क्या होगा शाबाश, फोर एल डिवाइड बाई क्या बनेगा थ्री बन गया, तो जरा एफ टू पे आ जाओ, एफ टू क्या बनेगा वी डिवाइड बाई लिमडा, तो दैट इज इक्वल टू फोर एल डिवाइड बाई क्या बनेगा थ्री, तो ये किसके बराबर है, एफ टू इज इक्वल टू थ्री एफ वन। अच्छा ये जरा लिखो, एफ टू इज टू एफ वन के बराबर नहीं है, क्लियर है ना, थ्री एफ वन के, इसका मतलब कि इसमें कौन से मिसिंग है, इवन मिसिंग है, इवन हार्मोनिक्स और मिसिंग, इवन हार्मोनिक्स और मिसिंग, इवन हार्मोनिक्स और मिसिंग, क्लियर है बेटा, इसमें कौन से मिसिंग है शाबाश, इवन हार्मोनिक हमारे साथ इसमें मिसिंग है। सो इसका मतलब ये है कि इसको जनरली हम कैसे लिखेंगे शाबाश, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एफ एन, एफ ओ एन, तो ये क्या बनेगा शाबाश, एफ वन इज इक्वल टू एफ वन तो होगा, और यहां पर हम ऐसे लिखते हैं टू एन प्लस वन एन टू बिगिन से एफ वन, एन इज इक्वल वन पुट करो, सो एफ टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई वन, टू प्लस वन थ्री एफ वन, तो ठीक है ना एफ टू थ्री एफ वन के बराबर आ गया। अगर हम एफ थ्री लिखना चाहते हैं एफ थ्री, तो एफ थ्री क्या होगा फाइव एफ वन जी, क्या कौन सा एफ थ्री, सॉरी यहां पर यस माइनस करना पड़ेगा, दैट शुड बी माइनस। अब यहां पे चेक करें शाबाश, एन को जरा वन पुट करें, तो टू इंटू वन टू माइनस वन एफ वन इज इक्वल एफ वन, एफ टू पुट करें एफ टू टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, फोर माइनस वन थ्री एफ वन, एफ थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स माइनस वन फाइव एफ वन, क्लियर है कि क्लियर है। तो क्या क्लोज आर्गन पाइप में हर किस्म के फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं,
So which of the following is more richest with respect to frequency? Open organ pipe. Open organ pipe में हर किस्म की frequency exist करते हैं. Even भी करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? शाबाश, speaking से art भी करता है. Clear है ना? लेकिन clues में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कहते हैं? Art होते हैं. Even इसमें matching होते हैं. Clear है ना? क्लूज ऑर्गन पाइप में इवन फ्रिक्वेंसीज या इवन हार्मोनिक हमारे साथ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? ऑड होते हैं. तो पर ओपन ऑर्गन पाइप द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वी कैन सी सॉरी द अदर हार्मोनिक्स विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. वेल पर क्लूज ऑर्गन पाइप द अदर हार्मोनिक्स विल बी इक्वल टू द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. क्लूज के लिए किसके बराबर होगा? आर्ट इंटीग्रल होता है. और ओपन के लिए क्या होगा? शाबाश, हर किस्म के इंटीग्रल वी हैं से हमारे साथ एक्सिस्ट करेगा. अच्छा, यहाँ पे एक और बात है. ओपन के लिए अगर आप देखिए, ओपन की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है? वी डिवाइड बाई क्या होते हैं शाबाश जी? 2L होता है. और क्लूज के लिए क्या होता है? V divided by क्या होते हैं? 4L. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2L ऐसे लिखते हैं ना. तो what is this thing? ये open है कि नहीं है? तो F close is equal to क्या है शाबाश? If open divided by क्या है? 2 है. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि the ratio, आप इसको इधर लेके आ जाओ. चले, if open डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश? इफ क्लूज इज इक्वल टू, क्लियर है ना? तो ओपन की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो क्लूज से 2 टाइम्स क्या है शाबाश? वी कैन से ज्यादा है. क्लियर है ना? अच्छा, चले आज के लिए इतना काफी है. कल इंशाल्लाह फिर हम इसके वो कर लेंगे, बीट फिनोमेना डिस्कस करेंगे और साथ में डॉपलर इफेक्ट डिस्कस करेंगे. क्लियर है? सर, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, बस मुझे पूछना है कि आपने इंजीनियरिंग के ईटा में फिजिक्स के एमसीक्यूज देखे? वो मैंने देखी बहुत आसान. ऑर्गन पाइप में जो हमारे पास 3F1 आएगा या 2F1, तो इसमें भी इस तरह 2 और 3 लूप्स बनेंगे? क्लूज ऑर्गन पाइप में? यस सर, सॉरी, क्लूज ऑर्गन पाइप में F2 के लिए तो मैंने बना दिया ना. F3 के लिए अब हमारे साथ 2 लूप्स होंगे, एक अधूरा होगा, एक इनकम्प्लीट होगा F3 के लिए. और सर ये अगर 4 होंगे तो फिर 3 फुल होंगे और एक इनकम्प्लीट होगा, इस तरह? हाँ बिल्कुल, इन द केस ऑफ क्लूज ऑर्गन पाइप. और सर अब अगर हमारे पास ये 3F1 आ जाए तो ये कौन सी पोजीशन पे हमने प्लग किया होगा? 6 पे, 1/6 पे? थ्री एफ वन के बराबर होगा ना, यानी कि सब क्लूज है पाइप. सर ये हमने कौन सी पोजीशन पे प्लग, सर फिर हमने इसको कौन सी पोजीशन पर प्लग किया होगा? ये यहाँ पे प्लगिंग पॉइंट तो नहीं, ये तो आप हवा इसके अंदर फेंकेंगे ना, मतलब हवा फूंकेंगे आप, जिस तरह आप ऑर्गन पाइप को कभी बचाए हैं आपने? नो सर, तो उसमें तो प्लगिंग पॉइंट तो नहीं होते ना. देखियो बताओ बाजब वही करना संख्या दासी तो दासे हवा फूके हो लवर के अक्सर सूर्य बंद किया गुता इस तरह करते ना, तो ये असल में प्लकिंग पॉइंट होता है. जी हाँ बिल्कुल, वो भी एक ओपन ऑर्गन पाइप होते, क्लोज ऑर्गन पाइप होते, सॉरी. Assalamualaikum. Sir, I have a question. The close pipe is all overtones or odd harmonics.
نچ اور ہارمونکس تے نبیا خدا سیکنڈ ہارمونک پسے تھرڈ ہارمونک نو مینوں پکار پ پ اس پ پ پس کی ٹول ہارمونکس نہ نہ کلوزڈ آرگن پائپ کی منگوائی نا آل اوورٹونز وی او اور ہارمونک نا اس طرح تا ہوئے نچ اور ہارمونک تے ندی تے سیکنڈ ہارمونک پہ والے وائی تے پہ تھرڈ ہارمونک پہ لو پکار हेलो नन बुरा दिल दे की चमास रा कम सिकन हार्मोनिक दे एफ2 एफ2 मा सदा चा बराबर रा एफ2 सॉरी पर कम च क्लूज ऑर्गन पाइप रे दिल दे की उस मा सिकन हार्मोनिक दे गमा सरा नो अवे मा सदा दे एफ2 रे चा बराबर दे अगा मा सदा दे 3 एफ1 बराबर دا نو ٹک دا کنا دا کی اس ما سے شما کنا سر تھرڈ ہارمونک ویلیو شو دس دا ویل واڑے سنگا سر ایف 2 مطلب دا اس سیکنڈ ہارمونک دے کنا اٹ از ایکول ٹو 3 ایف 1 دا ویل واڑے تاسو This is second harmonic. F2 is called second harmonic. Which is three times of the first harmonic. Sahi sir. Khabal question sir. Zama da deka na. Mung sir. So tawai which of the following factor hai? Swart. Your question hai zama sir binding energy mung sir dua compounds deka na. The A binding energy ziyata da B na. No mung sir the mass of A ba سوی دبی سوی زیاد بی یا کم بی دبی نا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیانز دا اے سیوا دبی نا دیٹ از کالڈ بائنڈنگ فرکشن بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیانز از کالڈ بائنڈنگ فرکشن بائنڈنگ فرکشن اور ماس اپ نیوکلیس کے ساتھ انورس ریلیشن ہے جتنا ایک نیوکلیس کا میس نمبر جتنا کم ہوگا اتنا اس کی بائنڈنگ فرکشن زیادہ ہوگی صحیح اور اگر سمپل بائنڈنگ انرجی کی بنو پر نیوکلیس وہ تو اس کے نیوکلیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا اب آئرن کی 56 ہے اس کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آئرن کی 56 کے لیکن سب سے ہائیسٹ انرجی آئرن کی ہے اس کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آئرن کی بائنڈنگ انرجی سب سے زیادہ ہے सही सर और सर दूसरा ये था कि ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना इनको बाइंड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है कि नहीं ओनली स्ट्रॉन्ग फोर्स डिपेंड करता है नहीं स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन फोर्स डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन फोर्स मीजान की वजह से हो जो एग्जिस्ट करता बुक में एमसीक्यूज था ना तो सी में लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों या डी ऑप्शन में सिर्फ ओनली न्यूक्लियर फोर्स था نہیں تو ہوتے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس بھی مطلب ہوتا ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے تو بہت آپشن ہے یہ پھر ہاں اور کرتا تو ہے بالکل اس کو ہولڈ رکھتا ہے لیکن اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا ہے کیونکہ گریویٹیشن فورس الیکٹروسٹیٹک سے بھی بہت کمزور ہے اور پھر الیکٹروسٹیٹک سے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس سو مینی ٹائم اسٹرانگر ہے ٹھیک سر تھینک یو